हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीपी डॉट नेट में प्रोग्राम लिखने वाले हुए हैं। राइट वीपी डॉट नेट प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है और वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं वो बताना है। पहले पैलिंड्रोम क्या होता है वो समझ लेते हैं। सपोज हमने स्ट्रिंग लिखी मैडम, तो ये स्ट्रिंग आप रिवर्स ऑर्डर में रीड करो या फॉरवर्ड ऑर्डर में रीड करो को मैडम ही मिलेगा, मतलब MADAM या फिर MADAM मैडम। तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो हमें करना क्या है, एक यूजर से स्ट्रिंग लेनी है और चेक करनी है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो देखते हैं, मैंने वीबी डॉट नेट के लिए विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं नेम डाल रहा हूँ, यहाँ पे पैलिंड्रोम प्रोजेक्ट के लिए। अलग अलग फाइल भी बना सकते हो या एक ही प्रोजेक्ट में सभी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। पैलिंड्रोम के लिए अलग सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्म मिला, हमें यूजर से एक नंबर रीड करना है, उसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और लेबल एक हमें यूज़ करना है क्योंकि हमें यहाँ पे उसके ऊपर लिखना है एंटर नंबर करके। तो यहाँ पे लेबल मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पे नंबर हमें यूजर से लेना है। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा और आगे जो भी हम बटन देने वाले उस बटन पे क्लिक करने के बाद वो तो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो तो हमें मैसेज बॉक्स में आना चाहिए। मैसेज बॉक्स ले लो आप या फिर आप लेबल भी लिख सकते हो, चेक पैलिंड्रोम। जो आंसर डिस्प्ले करना है वो आंसर मैं यहाँ पे लेबल पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लेबल टू ले लेता हूँ जिसपे हम आंसर डिस्प्ले करेंगे, लेबल टू। फिलहाल तो लेबल पे कोई टेक्स्ट में और डालने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे वो टेक्स्ट एम्प्टी सेट की है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स वन है, इसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो बटन वन है। तो बटन वन के क्लिक पे मैं टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू एंटर की है वो रीड करना है। तो देखते हैं, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एन एज स्ट्रिंग। वेरिएबल डिक्लेयर किया एन इज इक्वल टू जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर की हुई यूजर ने वो वैल्यू हमें रीड करना है। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट करके वो वैल्यू रीड की। हमें तो सिंपल क्या करना है, इफ एन इज इक्वल टू मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है, मतलब एन इज इक्वल टू एस टी आर रिवर्स ऑफ एन, अगर दोनों सिमिलर है तो ऑब्वियस है लेबल टू पे हमें स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। फिर जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मतलब एन इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एन जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एंड से हम कॉन्कैट करें आगे इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब हमने यहाँ पे एक आधी स्ट्रिंग डाली ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी का रिवर्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे या फिर रिवर्स निकालेंगे तो डी सी बी ए ऐसे आएगा विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे हम लेबल टू पे लिखेंगे लेबल टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एन मतलब स्ट्रिंग ए बी सी डी इज नॉट पैलिंड्रोम। देखते हैं, मैंने F5 प्रेस किया, यहाँ पे हमें एक फॉर्म मिला, यहाँ पे हमें नंबर की बजाय आप हाँ ठीक है आप कौन से भी नंबर डालो या फिर आप यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है। तो यहाँ पे सपोज मैं मैडम डाल देता हूँ, तो मैडम चेक पैलिंड्रोम करने के बाद यहाँ पे मैडम इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोल रहा है। अगर यहाँ पे मैं ए बी सी डी डाल देता हूँ तो यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम के बाद ए बी सी डी इज नॉट पैलिंड्रोम।
दोस्तों ये था हमारा पैलिंड्रोम का प्रॉब्लम। सिंपल आपको रिवर्स करना है और ओरिजिनल वैल्यू से चेक करना है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हो तो मैं यहाँ पे नंबर सिर्फ यहाँ पे मिसगाइड हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे नंबर की जगह पे एंटर यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन एंड यूजर को मिसगाइड हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर मैसेज डालेंगे एंटर स्ट्रिंग। थैंक यू। अगले प्रोग्राम में हम इमेज कैसे क्लिंक करते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।